हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 8 प्लस फ़ोन है, तो रेडमी 8 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन रोटेशंस है, तो होम स्क्रीन रोटेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन रोटेशंस है, तो होम स्क्रीन रोटेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो सिंपली आपकी फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही है, तो आपको सर्च करना है ऑटो रोटेशंस। सर्च करती है ऑटो रोटेट स्क्रीन आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप इसको ऑन करके स्क्रीन वायर को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और ऑफ़ कर दें तो आपकी स्क्रीन होम स्क्रीन में रोटेट नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन वायर को रोटेट कर सकते हैं होम स्क्रीन वायर को। तो सिंपली आपके पास डिस्प्ले सेटिंग्स आता है, तो डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर भी होम स्क्रीन वायर के रोटेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन करते हैं तो जो आपकी फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह रोटेट हो जाएगी, तो इसको आप ऑन करके होम स्क्रीन रोटेशंस को भी ऑन ऑफ़ कर सकते हैं इस तरीके से, और ऑफ़ करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, ऑन करना चाहें तो ऑन भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं रेडमी 8 प्लस फ़ोन में, और अपने स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं और साथ